के बाद रेलवे ने सर्च प्राइसिंग वापस लेने के दिए संकेत, कहा सिर्फ 3 महीने के लिए है फ्लेक्सी फेयर स्कीम, कुछ दिनों बाद किया जाएगा रिव्यू। 9 सितंबर से राजधानी दुरंतो और शताब्दी ट्रेनों में 50% तक किराया बढ़ने का हुआ है ऐलान। ट्राय ने कल बुलाई रिलायंस जी और दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मीटिंग, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के मुद्दे पर होगी बातचीत। सीओएआई ने की एयरटेल आईडिया और वोडाफोन समेत सभी कंपनियों को भी बुलाने की मांग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को जारी किया निर्देश, आईडीएस के तहत नकद में टैक्स जमा करवाने वालों पर न लगाए शर्तें, 30 सितंबर तक काला धन उजागर करने वालों के टैक्स नकद में जमा करने का भी निर्देश। खतरे में हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, 10 बैंकों के डेटा चोरी होने की खबर, सूत्रों के हवाले से खबर, चीनी हैकर्स ने एटीएम से गायब किए पैसे, मामले को गंभीरता से ले रहा वित्त मंत्रालय, एनपीसीआई जांच में जुटा। जीएसटी संवैधानिक संशोधन बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 15 राज्यों से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने लगाई बिल पर मुहर। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करने पर राज्यों में सहमति, अब नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने का प्रस्ताव, कमीशन के अलावा एक कंसल्टेटिव कमेटी का भी होगा गठन। बीएसई बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए के आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर को दी मंजूरी, सेबी में कुछ दिनों में फाइल होगा ड्राफ्ट पेपर, पहले ही हरी झंडी दे चुकी है सेबी। आखिरी घंटे में आई खरीदारी के चलते बाजार 18 महीने की ऊंचाई पर बंद, 13 अप्रैल 2015 के बाद सेंसेक्स ने किया 29,000 के स्तर को पार, सेंसेक्स 119 निफ्टी 33 तक चढ़कर बंद, मेटल ऑटो फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। यस बैंक ने क्यूआईपी टाला, 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाने की थी योजना, बैंक ने कहा सेबी के नियमों को समझने में हुआ कंफ्यूजन, मर्चेंट बैंकर्स की सलाह के बाद टाला क्यूआईपी। गुजरात में एनसीडीएक्स के वेयरहाउस की जांच करेगी सेबी की टीम, कॉटन सीड ऑयल केक स्टॉक की गुणवत्ता पर क्रशर्स ने खड़े किए थे सवाल, एनसीडीएक्स पर जांच के लिए एसोसिएशन को नहीं बुलाने का भी आरोप। आरबीआई गवर्नर बनने के बाद वित्त मंत्री जेटली से मिले उर्जित पटेल, कहा 4 अक्टूबर को भविष्य की रणनीति पर बोलूंगा, कल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनघड़िया से की थी मुलाकात। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ओला के साथ किया स्ट्रेटेजिक करार, आनंद महिंद्रा ने कहा 2 साल में ओला के साथ मिलकर बनाएंगे 40,000 ड्राइवर पार्टनर, $40 करोड़ की कारें बेचने और फाइनेंसिंग का लक्ष्य। भारत में 2 वेरिएंट में ऑडी ने लॉन्च किया A4, दिल्ली में एक शोरूम, कीमत 38.1 लाख रुपए, 1.4 लीटर के पेट्रोल इंजन में 150 BHP का पावर, टॉप स्पीड 210 किलोमीटर, मर्सिडीज सी क्लास से सीधी टक्कर। एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 7 और 7 प्लस 32 GB, 128 GB, 256 GB वेरिएंट पे मिलेंगे फोन, भारत में 7 अक्टूबर से मिलेगा फोन, शुरुआती कीमत करीब 60,000 रुपए। बीजेपी से अलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने बादल सरकार पर साधा निशाना, बोले सारा मुनाफा एक ही परिवार को जाता है, राजनीतिक पार्टियों पर भी बोला हमला, कहा अच्छे लोग केवल प्रचार के लिए चाहिए। सूरत में अमित शाह की रैली में हंगामा, हार्दिक पटेल के समर्थकों ने मचाई अफरा तफरी, जय सरदार जय पाटीदार के लगाए नारे, कई हिरासत में। गोंडा की खाट सभा में राहुल ने फिर साधा मोदी पर निशाना, लेकिन कांग्रेस ने नहीं लूटने दी आज खाते, तो किसान भी तोड़कर ही गए जाते जाते। G20 के बाद पाकिस्तान पर पीएम मोदी का दूसरा बड़ा हमला, कहा पड़ोसी देश फैला रहा है आतंकवाद, ऐसे देशों को किया जाए अलग थलग। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की दावेदारी को अमेरिका का साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने दिया पीएम मोदी को भरोसा, ओबामा ने भारत को बताया अमेरिका का कूटनीतिक भागीदार। देश की स्वाभिमानी सैटेलाइट 3DR की लॉन्चिंग, इसरो ने भारी सैटेलाइट के लिए पहली बार इस्तेमाल किया देश में बना ऑपरेशनल क्रायोजेनिक इंजन, मौसम की भविष्यवाणी और सटीक।